भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन दिवांगन ने भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू की अनुशंसा एवं जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया की सहमति से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 22 के पार्षद पति राजेश यादव को भिलाई 3 चरोदा मंडल के अध्यक्ष की कमान सौंपी गयी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहन दिवांगन ने भिलाई चरोदा मंडल अध्यक्ष के रूप में राजेश यादव की नियुक्ति की है। राजेश यादव की धर्मपत्नी निशा यादव नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र वार्ड 22 में पार्षद हैं। अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी है उसे निष्ठापूर्वक निभाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। इसके अलावा किसानों की हक की लड़ाई लड़ने हमेशा तैयार रहूंगा। मैं सभी 40 वार्ड में किसानों भाई के लिए मैं हित में कार्य करूंगा और जो मुझे किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है उससे मैं वफादार और निष्ठा भाव से मैं सभी तारीख को संपूर्ण करूँगा। मैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मोहन दिवांगन भैया जी जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, जो इस लाइक मुझे समझे हैं और मैं निष्ठा भाव से बहुत ही अच्छा सभी था 40 वार्ड तो लेते किसान मोर्चा था हर समय किसी भी प्रकार में तकलीफ हो तो पीछे मैं खड़े रहूँगा। इस अवसर पर परंपरा अनुरूप वार्ड वासियों ने पार्षद निशा यादव एवं राजेश यादव का स्वागत सम्मान किया, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि राजेश यादव जी को किसान मोर्चा का मंडल में स्थान दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और निश्चित ही इनकी जो पत्नी है सभी जानते हैं वार्ड 22 से निशा यादव जी बहुत ही निष्ठापूर्वक जनता की सेवा में वो लगी रहती है। समय समय पर राशन कार्ड और प्रधानमंत्री जो योजना आवास चल रही है उसका, नाली का, सड़क का, अभी ओपन जिम का भी इन्होंने अपना निधि डाले हुए हैं। तो निश्चित ही इनका कहीं न कहीं इस परिवार को मतलब जाता है और बहुत बढ़िया। हमें पूरे जनता पूरे हमारे साथ में है, हमारे चाचा जी सभी बुजुर्ग जो हर क्षेत्र से आए हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राजेश यादव को इस प्रकार स्थान दिया गया है। आज तक के कभी भी हो नवयुवक लड़कों में से हमारे चरोदा मोहल्ला वासी में से जो निशा यादव है वो एक शक्ति की रूप में है। मैं अभी तक देखा हूँ कोई भी लड़कियों को इस तरीके से जुझारू टाइप का काम नहीं किया। और जैसे उसके पति देव है राजेश यादव, ये तो कहा जाए शिव में शक्ति समा गया है उस तरीके का है। और जो भी चयन किया है अध्यक्ष महोदय जी यहाँ का जो भी होगा या हमारे, मैं तो अभी तक नाम नहीं सुना हूँ भैया को कि जो वो सोच के जो नाम चयन किया है मैं उसके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूं और बड़े खुशी मिलती है मुझे कि ऐसे लड़कों को जो चुना गया है जो जुझारू भी है और बलवान भी है, शक्ति भी है और भक्ति भी है, कोई भी काम को करने के लिए बड़े निष्ठापूर्वक आदरपूर्वक और लगनपूर्वक कोई भी बड़ी से बड़ी काम को हम जब जहाँ जाते हैं कहीं की जगह में भी तो बड़े शांतिपूर्वक वो काम बड़ा निर्वाहपूर्वक हो जाता है, कहीं आक्रोश कहीं मन मुटावा नहीं और कहीं पछतावा नहीं। ऐसे लड़कों को तो सामने आना चाहिए और करवाना भी चाहिए और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लड़के को और अधिक से अधिक जहां मिलता भी है उनको ऐसा ही ये अवसर मिलना चाहिए। बहरहाल राजेश यादव लंबे समय से भाजपा में रहकर पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं। वहीं राजेश यादव ने मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, जिलाध्यक्ष मोहन दिवांगन, भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया समेत सभी भाजपा के जनप्रतिनिधियों का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।